हिमाचल प्रदेश देश भर में किसानों तक आलू का बीज पहुंचा रहा है, जिससे देश के किसान अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में आलू की खेती को अंग्रेजों ने 17वीं शताब्दी में किचन गार्डनिंग के रूप में शुरू किया था। हिमाचल प्रदेश के किसानों द्वारा उत्पादित आलू के बीज और बेहतर किस्मों की बदौलत आज भारत दुनिया में आलू उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। ये बात शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान के 70वें स्थापना दिवस के मौके पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने कही। शिमला में शुक्रवार को केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के 17वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने संस्थान को बधाई देते हुए कहा कि भारत दुनिया में आलू उत्पादन में दूसरे स्थान पर है और हिमाचल प्रदेश पूरे देश को आलू का बीज दे रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के कुफरी में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ने अपने आरंभ से लगभग 51 उच्च उपज वाली किस्मों का विकास विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के लिए किया है। इनमें से 25 किस्में मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं। वहीं देश में जीरो बजट कृषि पर बोलते हुए राधा मोहन सिंह ने कहा कि शून्य लागत पर किसानों को खेती करने के लिए तैयार किया जा रहा है, जिससे किसान की आय दोगुना हो सके। कि आलू का जो उद्गम स्थल वो अमेरिका का जो इंडिक पर्वत श्रृंखला है, उसमें आलू का उद्गम हुआ था और इस शताब्दी 17वीं शताब्दी में भारत में, और जब आया तो इसकी खेती हिमाचल के ऊपरी क्षेत्रों में जो अंग्रेज यहां रहते थे किचन गार्डन के रूप में आलू करते थे, उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि था कि 17वीं शताब्दी में ही आलू आ गया था और सबसे पहले हिमाचल में आया था और अंग्रेजों के किचन गार्डन के रूप में आलू की खेती हो रही थी। तो स्वाभाविक था कि यहां जो अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय आया, अब ये जो शिमला में जो हमारा अनुसंधान संस्थान है, इस संस्थान के कारण आप देखेंगे विस्तार से वर्णन तो उन्होंने बताया है, लेकिन जो उत्पादन देश में होता था ये 49-50 में 2 लाख हेक्टेयर में, और अभी देखेंगे तो 16-17 में 21-22 लाख हेक्टेयर, काफी बढ़ोतरी, और अब तो 5 करोड़ टन उत्पादन हो रहा है। पहले 15 लाख टन होता था, अब 5 करोड़ टन। इस दौरान केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला ने आलू की किस्मों और बीज की प्रदर्शनी भी लगाई, और इस अवसर पर केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह द्वारा केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के नए सभव का उद्घाटन भी किया गया और आलू की प्रजाति पर लिखी गई पुस्तक का भी मंत्री ने विमोचन किया। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल शिमला।